हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में कैसे काम होता है। आपको लगता होगा भाई, जो ये प्रोडक्ट्स देखते हैं किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट में, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या शॉपक्लूज हो, जो ये अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है, अब इसमें प्रोडक्ट कौन डालता है। क्या अमेजोन खुद अपने प्रोडक्ट डालता है, क्या फ्लिपकार्ट खुद अपने खुद के प्रोडक्ट बेचता है। तो इसमें देखो, बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। अमेजोन का बिजनेस मॉडल एकदम अलग है, वो खुद से प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बीच में एक प्लेटफॉर्म है और उसने लोगों को इंक्रीज किया, लोगों ने उसमें प्रोडक्ट ऐड किया और लोग उसमें प्रोडक्ट बेचते हैं अपने खुद के और कस्टमर वहाँ से बाय करते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, देखिए अमेजोन में दो पैनल होते हैं, एक होता है सेलर पैनल, एक होता है खुद का पैनल। तो अमेजोन अपने खुद के प्रोडक्ट भी बेचता है और उसमें अगर किसी और को प्रोडक्ट बेचना है अपने, मान के चलो आपको अगर कोई अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है और आप उन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, तो आप उसमें प्रोडक्ट बेच सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कैसे बेचते हैं, आपको अमेजोन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आप खुद उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये हो गया सेलर पैनल, उसमें अलग से बना होता है। अब एडमिन पैनल क्या होता है, एडमिन पैनल मतलब जो वेबसाइट का ऑनर है उसके पास एक एडमिन का पैनल रहेगा और वो वहाँ से सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, तो ये कहलाता है एडमिन पैनल। अगर आप कहीं से ऐप्स बनवाओगे, वेबसाइट बनवाओगे, तो वहाँ से आपको एक एडमिन पैनल दिया जाता है जहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट को डिलीट करना, प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर हो गया तो उस प्राइस को अपडेट करना एंड प्रोडक्ट का प्राइस डाउन करना, को डिलीट करना, ये सारे ऑप्शन आपको एडमिन में मिलते हैं जिसको आप मैनेज करते हो। मान के चलो आपने सिंगल वेंडर वेबसाइट बनवाई, सिंगल वेंडर भी आगे मैं बताऊंगा सिंगल वेंडर क्या होता है, मल्टी वेंडर क्या होता है। सिंगल वेंडर आपने वेबसाइट बनवाई तो आपको एक एडमिन मिलेगा और आप ही उसमें से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आप ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आपको ऑर्डर दिखेंगे, आपको सारी चीज़ें करना, वहाँ से सारी प्रोसेस करना है। अब चाहे आप सब्जियाँ बेचो, चाहे आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचो, चाहे होम एंड किचन आइटम बेचो, चाहे अप्लायंसेस बेचो, जो भी आपको सेल करना है उसमें आप प्रोडक्ट ऐड करो और सेल करो। तो ये हो गया सिंगल वेंडर कॉन्सेप्ट। एक होता है मल्टी वेंडर कॉन्सेप्ट। मल्टी वेंडर कॉन्सेप्ट में आप को जो उसमें कॉन्सेप्ट अलग होता है, मल्टी वेंडर में बहुत सारे दुकानदार अपने खुद के प्रोडक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, तो ये हो गया मल्टी वेंडर कॉन्सेप्ट। मल्टी वेंडर मीन्स की देखो, आप मान के चलो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहाँ पे आप सिंगल वेंडर मल्टी वेंडर दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टी वेंडर में आपने सभी जो दुकानदार हैं आपके एरिए के, सबके आसपास के, उन सभी दुकानदारों को टैप कर दिया, वहाँ से उन सभी लोगों को ऐड कर दिया। अब आपके पास उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आएंगे तो उस दुकानदार के पास डायरेक्टली वो ऑर्डर चला जाएगा जिस प्रोडक्ट को उस दुकानदार ने ऐड किया है उस वेबसाइट में। तो सिंगल वेंडर का कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहता है और मल्टी वेंडर का कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहता है। अगर आपने मल्टी वेंडर कॉन्सेप्ट अगर आपने उठा लिया तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट भी चलेगी, प्लस जो आपके वेंडर्स रहेंगे वो भी आपके प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो भी आपको पैसा देंगे थोड़ी बहुत, और आप खुद अपने प्रोडक्ट अपने पैनल से बेचेंगे तो वहाँ से आपको प्रॉफिट तो हो गई, प्लस आगे जाके अगर ये और बड़ा हो गया, ग्रो हो गया, तो आपको अच्छी खासी फंडिंग भी मिल सकती है। तो ऐसे कोई आप पैनल बनाइए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाइए जिसमें आप अपने खुद के प्रोडक्ट आपके दुकानदार से सेल कर सकें और आप खुद उसको सेल कर सकें। जैसे बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐप अवेलेबल हो गए हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो ये चीज़ें करके आप भी अपना खुद का एक पैनल बना सकते हैं और जिसमें आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है और अपने खुद की वेबसाइट के ऑनर बन सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया सिंगल वेंडर मल्टी वेंडर, है ना। अभी हम बात करते हैं भाई कि जब उसमें किस किस कौन कौन से पैनल होते हैं वेबसाइट ऐप में। वेबसाइट ऐप अगर आप बनवाएंगे तो आपका एक डिलीवरी पैनल भी हो सकता है, एक एडमिन पैनल हो सकता है जो ऑनर के पास रहेगा, एक पैनल ऐसा क्रिएट होगा जो सभी दुकानदारों के पास रहेगा, एक डिलीवरी बॉय के पास, तो हमने बता ही दिया डिलीवरी बॉय के पास भी पैनल रहेगा। कस्टमर पैनल जो रहेगा वो मेन है जहाँ से कस्टमर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। इसके बाद अगर और ऐसे पैनल अगर आप बनाना चाहते हैं चेक कर लिए कि भाई सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, वो बैठ के बंदा सिर्फ प्रोडक्ट उसमें ऐड करेगा, तो उसको भी एक पैनल दे सकते हैं। आपने किसी को बैठा दिया कि सिर्फ आप ऑर्डर देखोगे तो उसको भी एक छोटा सा पैनल बना के दे दिया, सिर्फ वो ऑर्डर देखेगा। तो ऐसे अलग अलग पैनल बना के आप काम करवा सकते हो ऐसे कॉन्सेप्ट करके। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों में पैसे तो थोड़ी खर्च होंगे, आप अगर ये सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो हो सकता है आपके 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये तक लग जाए ऐसे बनवाएंगे तो। तो ये चीज़ें करवा के आप उसमें अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा और आप खुद अपने सॉफ्टवेयर के मालिक कहलाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ध्यान देने वाली बात है सारी। आप कैसा करेंगे, कैसे ऑनलाइन आपको ये सारी चीज़ें करना है, ध्यान दीजिएगा, करिएगा। बाकी कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उसका आंसर हम देने के लिए रेडी हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।